आज पूरे देश में जो रामलला मंदिर में जो भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर में भी इसकी तैयारी की गई है। अल्बर्ट हॉल पर एक सजीव जो राम का जो चित्रण है वो यहाँ पर किया जा रहा है। एक प्रोटोटाइप जो मंदिर है, एक अस्थाई मंदिर या प्रोटोटाइप जो मंदिर है भगवान राम का जो अयोध्या में बनाया गया है, उसी तरह का एक मंदिर अल्बर्ट हॉल के बाहर बनाया गया है। ड्रोन शो यहाँ पर आयोजित होगा। 1500 ड्रोनों से एक सजीव झांकी भगवान श्री राम की देखने को मिलेगी। CM भजन लाल, डिप्टी CM दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा के अलावा तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो इस कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल होंगे। इसके अलावा जो 1.25 लाख दीपकों से जो है, जो 1.25 लाख दीपकों के माध्यम से जो आरती की जाएगी भगवान श्री राम की, उसकी भी तैयारी यहां पर की गई है। आप देख सकते हैं अल्बर्ट हॉल पर, पूरे अल्बर्ट हॉल तक इन दीपकों को यहां पर सजाया गया है। यहां पर जो तैयारी है वो यहां पर की जा रही है। इसके अलावा जो विभिन्न मंदिर हैं उनमें भी इस तरह की तैयारी है। 5 लाख दीपक हैं वो यहाँ पर वितरित किए गए हैं। शाम को जब भगवान श्री राम को लेकर जो उस विशेष उत्सव मनाया जाएगा तब ये प्रज्वलित किए जाएंगे। तमाम तरह की सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पर तैयारी का जायजा है, जो पुलिसकर्मी वो लगातार यहाँ पर ले रहे हैं। और एक इस दिन को यादगार बनाने के लिए जो पूरी तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर फिलहाल जो व्यापार मंडल है उसकी ओर से की जा रही है। जयपुर व्यापार मंडल ने जयपुर के विभिन्न बाजारों को भी यहाँ पर सजाया है। जो बड़े बाजार हैं उनके गेट हैं उन पर LED लाइटिंग की गई है। सजीव चित्रण है भगवान श्री राम का, वो देखने को यहाँ पर मिलेगा। और फिलहाल तो जो अल्बर्ट हॉल है उसके ऊपर जो तैयारियाँ हैं वो फिलहाल यहाँ पर चल रही हैं। और देर शाम को जब ये कार्यक्रम आयोजित होगा तो एक भव्य कार्यक्रम जो है जयपुर वासियों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। सचिन जी हमारे साथ हैं, आयोजक हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। सर, किस दिन इस दिन को विशेष बनाने के लिए किस तरह से आज जयपुर में तैयारियाँ हैं? देखिए, आज दिन ही अपने आप में विशेष है, चूँकि रामलला 500 साल बाद में अपने भवन में खुद विराजमान हो रहे हैं माता सीता के साथ में। तो ये ऐतिहासिक घड़ी पूरे देशवासियों के लिए गर्व की बात है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो इसमें इनिशिएटिव लेकर के रामलला का मंदिर का निर्माण करवाया, उसके लिए पूरे देशवासी उनको दिल से बधाई देना चाहते हैं। अब चूँकि जयपुर को छोटी काशी कहा जाता है और छोटी काशी जो है हर भगवान के काम के अंदर सबसे आगे रहती है, तो जयपुर में अल्बर्ट हॉल पे हम लोगों ने भव्य मंदिर का निर्माण किया है। जो अयोध्या में मंदिर बना है एज इट इज़ उसका प्रोटोटाइप है। शाम को 1.25 लाख दीपकों से यहाँ पे दीपक जले जाएंगे, भव्य आतिशबाजी है, 300 ड्रोनों से ड्रोन शो किया जा रहा है और भव्य प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं जयपुर की जनता से आह्वान करूँगा कि वो यहाँ पर पधारें और प्रोग्राम का आनंद उठाएँ। देखिए, अल्बर्ट हॉल तो सजाया जा रहा है इस दिन को, और इससे पहले जयपुर व्यापार महासंघ की ओर से पूरे बाजारों को दिवाली की तरह भी सजाया गया है। देखिए, जयपुर व्यापार महासंघ ने ये बीड़ा उठाया था कि पूरे जयपुर को राममय किया जाए, तो हम लोगों ने लगभग 21 लाख दीपक जलाने का पूरा प्रावधान रखा है। हर मंदिर को सजाया गया है, हर बाजार को सजाया गया है, हर घर को सजाया गया है। और जब 12:28 पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो सब घर में दीपक जलाए जाएंगे। सचिन जी ने हमारे साथ जुड़े और इन्होंने पूरी जो स्थिति है वो बताई, यहाँ पर किस तरह से जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर की गई हैं, जयपुर व्यापार मंडल का किस तरह से सहयोग रहा है, अलग अलग व्यापार मंडल है राजधानी जयपुर के उनका किस तरह से सहयोग रहा है, क्यों इस दिन को विशेष बनाने के लिए जो तैयारी है, जो बीड़ा है वो व्यापार मंडल ने यहाँ उठाया है, और उसी के चलते आज ये जो है पूरा जो माहौल है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। सहयोगी देवेंद्र के साथ आदित्य अत्रे, द नगरी न्यूज़।